राम राम सीताराम सबको गुड मॉर्निंग। तो आजकल हमारा मॉर्निंग भी थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। पापा ने चाय बना ली है, ओम के लिए दूध ले लिया है, गीगन की चाय अभी बन रही है, तो मम्मी अभी सो रहे हैं, अभी उठेंगे थोड़ी देर में, रामदेव ओम भी अभी उठेंगे। तो मैं पहले क्या करती हूँ, खाना बना लेती हूँ उनका। तो आज पूरी लेके जाएगा, तो पूरी अभी बन रही है और बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, आपको गीगन दिखाएगा अभी। बारिश बहुत आता है सुबह सुबह में, पूरा रात कुछ होता है। और एक दिन जो स्वीट थेपला हम बनाते हैं वो लेके गया था, कल आलू पराठा लेके गया था, आज पूरी बना देती हूँ। तो हम राइस और वो कम खाता है, पोहा और सब कुछ, वरना वो भी बच्चे ज़्यादातर लेके जाते हैं, लेकिन पूरी खा लेगा। Yes. Good morning, ओम। Good morning. अभी ओम ने उठ के दूध पी लिया, अभी नहाई नहाई करनी है, जल्दी जल्दी और रेडी हो जाना है, 10 मिनट का टाइम है, ठीक है हमारे पास। गुड। तो 10 मिनट में अब टेप को भूल जाओ, ठीक है। तो अभी मैं आई थी कुछ वेजिटेबल्स ढूंढने के लिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना 5-6 दिन से कंटिन्यूस, तो वेजिटेबल्स थोड़े से कम आते हैं। तो गुआर भी मिले, भिंडी भी हमने कट कर दी थी एक बार, तो मिले हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। ये कौन सा बर्ड है? और बारिश अभी अभी स्टॉप हुई है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, और 4-5 दिन से कंटिन्यूसली आ रही है थोड़ी थोड़ी। और अभी ओम को छोड़ने के लिए रामदेव गया है, और मैं अभी कुकिंग का कर लेती हूँ, क्लीनिंग का, सुबह सुबह का काम अभी स्टार्ट करते हैं। इतना ही मिला, लेकिन ऑलरेडी थोड़े से गुआर एंड भिंडी पड़े हुए। तो अभी आज हमने ना फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया है। कुछ हमारे सिंसियर स्टूडेंट इस साइड में बैठे हुए हैं, सीनियर और सिंसियर दोनों, जो कुछ बातें नहीं करते स्टडी के टाइम। और मैं यहाँ पे इंग्लिश का कर रही हूँ, वहाँ पे रामदेव मैथ्स का कर रहा है, क्योंकि ओम को भी थोड़ा सा लेट हुआ, तो जो बाकी था वो रिकवर, तो इतना सब कुछ तो ओम नहीं लिख पाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ देखो, और वहाँ पे हमारे क्लासमेट है। स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट किया है, सेकंड स्टैंडर्ड। हां वो तो भूल गई, सेकंड स्टैंडर्ड से। टेबल्स वगैरह बाकी ऑब्जेक्ट्स ये नहीं आते थे सेकंड स्टैंडर्ड में कभी। राउंड शेप क्या है, ट्रायंगल क्या है, स्लाइड क्या होता है, वो नहीं आता था। रोल क्या होता है, क्योंकि गुजराती मीडियम में ये घर पे ही सीख जाते हैं, जब मम्मी पापा ऐसे करके वो करते ना, हम स्लाइड होते तभी हम अपने आप रोल होते, वो रोल होता है। तो अभी ये होता था, नई स्कूल जब अभी स्टार्ट हुई तो बच्चों को हार वार पहना के स्कूल भेजा, पहले ये नहीं था कुछ भी, तब कोरोना भी नहीं था वैसे, लेकिन ये चलता है। ओम का थोड़ा कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस हो गया उनको स्कूल चेंज की वजह से, तो करेंगे अभी धीरे धीरे, कर रहे हो जाएगा एक दो दिन में उसको कवर अप करके सारा कुछ, ताकि उसको ना ऐसा लगे कि मैं दूसरे बच्चों से पीछे हो। लेकिन जब तक अभी तक जो मैंने किया है वो हम ऑलरेडी कर चुका है, टेबल्स वगैरह बाकी शेप्स हैं, तो मैथ्स का सारा, और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो अच्छा लगता है मैथ्स साइंस वगैरह। मुझे संस्कृत हिंदी थोड़ा मेरा वीक था। अभी हम जा रहे हैं पोरबंदर, कुछ शॉपिंग है वो करके फिर ओम को लेके जाएंगे घर। सुबह सुबह हम दोनों ने ओम की एक एक बुक्स खत्म कर दी है, अभी एक एक और बाकी है, और बारिश अभी बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई है यहाँ पे वापस। यहाँ ज़्यादा है शायद, हमारे घर पे नहीं होगी इतनी, क्योंकि अभी तक ये साल की बारिश ऐसे ही आ रही है, सर्वत्र नहीं है, जहाँ पे होती है बहुत होती है, नहीं होती वहाँ बिल्कुल नहीं होती, इस तरह से। अभी 10 दिन की वार्निंग्स है अभी, और क्या आएगी ना, आगाही की हुई है अभी आने वाले 10 दिन में, 13 तारीख तक तो बहुत बारिश आएगी,
पोरबंदर में कुछ एक्सचेंजेस थे तो इसके लिए आए, और बारिश भी आ रही है। वैसे ऐसे मौसम में आते नहीं है नॉर्मली सिटी में, नहीं मजा आता। हाँ तो हमने शॉपिंग कर लिया और एक छाते में हम जा रहे हैं अभी। हमारी गाड़ी यहीं है बस, कहाँ गई हमारी गाड़ी? और यहाँ मुझे लगा कहीं बारिश में लेके गया हमारी गाड़ी। पोरबंदर में तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे आ गई थी, अभी शॉपिंग हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बाकी है। बारिश आ रही है और ये रेनबो वाला छाता भी हमने लिया है क्योंकि ओम को ये देख के अच्छा लगेगा। रेनबो वाला अम्ब्रेलो अम्ब्रेलो ओम बोलता है। बारिश एंजॉय होती है जब रेन होता है तो, लेकिन वो गांव में ही होता है क्योंकि शहर में क्या होता है कि पूरा गंदवाड़ होता है, कीचड़ नहीं ऑब्वियस हम लोगों का फैलाया हुआ वो पूरा पानी की वजह से ज्यादा दिखता है। और सिटी में एनिमल वेस्ट भी ज्यादा होता है जो ऐसे ही किसी के नहीं होते एनिमल्स, वो होते डॉग और जो गाय घूमती है उनका गोबर वगैरह, तो उसकी वजह से ज्यादा गंद रहता है सिटी में मॉनसून में खास करके, और बीमारियां भी ज्यादा फैलती है और उसका कारण भी हम इंसान ही है। अभी हम जा रहे हैं घर ओम को लेके, उसको हम स्लीप कहते हैं। और बारिश अभी ज्यादा पड़ रही है। बस क्या है ओके वाइप, पहले तो वो गीत गाते थे, कौन सा वाला गाते थे वाइप होता क्या बस। अभी हमारे रास्ते में भी पानी होगा। पार्टी यहाँ कर रही है एडिटिंग, और बारिश जो है बरसात वो अपने टाइम पे आई है, बाहर ज्यादा दिख रही है। और हम एडिटिंग किस में करते बता दो, कई बार होती है कमेंट्स आई मूवी फाइनल कट प्रो भी लेना है, जब हमारे मैनेजर साहब बजट देंगे नेक्स्ट मंथ शायद मिल जाएगा हमें बजट, तो हमें फाइनल कट प्रो इसमें एक दो महीने लगेंगे उसके लिए। अभी तुम्हें इसमें मेन क्या है बजट का भी, और दूसरा क्या है कि फाइनल कट प्रो थोड़ा सा अपडेटेड है तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, तो इसलिए अभी यही इसमें ही काम चला रहे हैं। हाँ। लेकिन नेक्स्ट मंथ, क्योंकि हमारे वीडियो की खासियत हम रो रखते हैं, जैसा हाँ। होता है वैसा ही दिखाते हैं, तो ज्यादा एडिटिंग की जरूरत होती नहीं है, और स्क्रिप्टेड कभी भी नहीं होते हमारे जो व्लॉग्स होते हाँ। तो नेचुरल रखते हम कोशिश करते। अभी 6:30 बजे बाहु यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, 6:30 बजे तो ओम का खिचड़ी का टाइम हो गया है, और अभी बारिश बाहर है। ओम खेल रहा है अम्ब्रेला लेके नई वाली, मम्मी का यहाँ चल रहा है उनका सीरियल, पापा वहाँ पे होंगे और ओम ये कर रहा है। ये आज नई छतरी लेके आए है ना, बारिश अभी स्टार्ट हुई है, थोड़ी बढ़ जाए थोड़ी और बढ़ जाए और बढ़ जाए और कुआं भर जाए। कि हमारे यहाँ क्या है कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ऐसा कोई पानी का दूसरा सोर्स नहीं है सिवाय कुएं के। कई जगह क्या होता है कि नहरें होती है जो बड़े तालाब वगैरह होते, तो उसमें से फार्मर को पानी मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ ऊपर कोई बड़ा तालाब नहीं है। इसका एक फ़ायदा भी है कि बाढ़ आ जाए अचानक से, बारिश बढ़ जाए उसकी वजह से, तो यहाँ आसपास में सिवाय कुएं के कोई पानी का दूसरा सोर्स नहीं है, ना तो कोई बड़ी नदी पास में है, छोटी नदी भी है वो दूर है गांव के पास, तो वहाँ से पानी लाना भी काफ़ी दूर हो जाता है, 1-2 किलोमीटर। तो कुआं एक बार भर जाता है तो फिर उसमें से ही चल जाता है पूरे साल। और ये यहाँ पे इवनिंग का माहौल है,
जो कि रोज हम रहते हैं तो हमें नॉर्मल सा लगता है, लेकिन खास करके जो लोग शहर में फ्लैट्स में रहते हैं उन्हें ये जगह ज़्यादा पसंद आती है। इवनिंग टाइम पे चाय हाथ में रख के ऐसे बारिश में बैठने में एक अलग ही मज़ा होता है। ओम ने देखो यहाँ पे खुद का अपना टेंट बनाया हुआ है, बारिश भी आ रही है, हमको यहाँ पे बैठ के खिचड़ी खानी है ना, रेनबो अम्ब्रेला के नीचे। अभी इवनिंग का टाइम है और रोटी बनाने का टाइम है। अभी क्या आया है हम, अभी हमारे किचन में चकली आई है। हाथ में तो डर रहा है, ऐसे मत करो ठीक है। अभी उड़ना सीख रहा है, सीख रहा है उड़ना। ओ वहाँ पे बैठ गया, अभी यहाँ पे बैठा है। अभी ये बस छोटा बच्चा है, उड़ना सीखा ही इसने, इसलिए वो डर रहा है। गिरोगे तो वहां से, क्या गिरोगे?